हेलो व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अभिजीत, आपका फिजियोथेरेपिस्ट, एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल फिट फिजियो प्लेटफॉर्म। और आज मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल सी मशीन के बारे में जिसे हम कहते हैं स्पायरोमीटर। तो दोस्तों, ये जो स्पायरोमीटर है ये हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है और साथ ही हमारी मदद करता है कोरोना से लड़ने में। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां पर आपको स्पायरोमीटर आसानी से मिलेगा और साथ ही इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, आपके इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको दूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो स्पायरोमीटर है ये हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स यानी कि जो मसल्स हमें सांस लेने और छोड़ने में मदद करते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस सिचुएशन में ये हमारे लिए कितना उपयोगी साबित हो सकता है। अब कौन से ऐसे लोग हैं जो इसे इस्तेमाल करें? तो यदि आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन है या फिर पहले से कोई लंग डिसीज जैसे कि COPD, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, और यदि आप पूरी तरीके से हेल्दी हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा जिससे यदि इन फ्यूचर आपको कभी कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ तो आपके लंग्स पहले से ही उससे लड़ने में सक्षम होंगे। अब कहां आपको ये मिलेगा आसानी से? तो दोस्तों, स्पायरोमीटर जो है वो आपको आसानी से किसी भी नजदीकी मेडिकल स्टोर या ई कॉमर्स वेबसाइट पर करीब 100 से 300 रुपए के बीच में मिल जाएगा। अब इसका सही तरीका क्या है उपयोग करने का, तो वो मैं आपको अगले ट्यूटोरियल के माध्यम से दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो व्यूअर्स, ये है स्पायरोमीटर जिसमें 3 बॉल्स होती हैं जो 600 cc से 1200 cc तक हमारे लंग्स की कैपेसिटी को दर्शाती हैं, और साथ ही एक माउथ पीस होता है जो हमें सांस लेने में मदद करता है। ध्यान रहे आप मशीन को बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे ना रखें, उसे अपनी आंखों के लेवल पर रखें। शुरू करने से पहले नाक से एक लंबी गहरी सांस लें और फूंक मारते हुए धीरे धीरे मुंह से उसे छोड़ें। अब माउथ पीस को मुंह में रखकर मुंह से सांस को अंदर की ओर खींचें, इससे स्पायरोमीटर की बॉल्स ऊपर को उठेंगी और माउथ पीस को हटाकर सांस को मुंह से छोड़ दें। बॉल्स के ऊपर उठते ही सांस को करीब 2 से 5 सेकंड तक रोक कर रखें। अब 2 सेकंड का रेस्ट लेकर इसे दोबारा दोहराएं। ध्यान रहे कि आप झटके से सांस ना लें, धीमी गति में लंबी सांसें लें। शुरुआत में हो सकता है कि आपसे एक ही बॉल उठे, पर कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद आप एक से ज्यादा बॉल्स को उठा पाएंगे। यदि आपको एक्सरसाइज करते वक्त सर दर्द या चक्कर आए तो तुरंत इस एक्सरसाइज को रोक दें और थोड़े रेस्ट के बाद इसे दोहराएं। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। And till the next time, stay fit, stay healthy, and take care.